ज्योति सावित्री बाई तू है हिंद की शान, नारी शक्ति का दौर आज का तेरी ही पहचान। लाखों में तू एक है बेटी इस मिट्टी की शान, माँ सावित्री पूरे हिंद की तू ही एक पहचान। सावित्री 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 विश्वास जगा कर बीज शिक्षा का तूने ऐसा बोया, कांटों पर चलकर जो तूने जीवन को महकाया। कल तक थी जो जिंदा लाशें उनमें आ गई जान, नारी शक्ति का दौर आज का तेरी ही पहचान। सावित्री 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 सावित्री। सन 1830 नायगांव, तहसील खंडाला, जिला सतारा। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। मैं अंदर नहीं आ सकती पाटिल। लक्ष्मी लक्ष्मी, काय झालं? ये रंगी तुम्हारे लिए कुछ लाई। अच्छा, लाओ दिखाओ क्या लाई हो हमारे लिए। अरे वाह, कितनी छान आई है ना, आपको पसंद आया? रंगी, इसे देखकर ही पता चलता है कि तुमने इसे कितने प्यार से बनाया है। तुम्हारा ये तोहफा बहुत सुंदर है। सच? अरे बस, ईश्वर करे आपका बच्चा 1000 साल जिए, उसे मेरी भी उम्र लग जाए। चलिए आतिए, आजी बनने की बधाई हो आई साहिबा। भगवान करे आपका पोता लाखों में एक हो। अरे हीरा, पाटिल परिवार का वारिस लाखों में नहीं करोड़ों में एक होगा। हाँ, उसके पैदा होने पे ऐसी खुशी मनाएंगे ना कि देखने वाले थक से रह जाएंगे। वो तो पूरा गांव जानता है, पर पोते की खुशी में मुझे मत भूल जाना। पहले ही बता देती हूँ, 9 बारी साड़ी लूंगी। हाँ, पहले कभी बोलने की जरूरत पड़ी है जो अब पड़ेगी। हाँ आए साहिबा, हाँ बड़े पाटिल भी मौजूद होते तो ये खुशी दुगनी हो जाती। हाँ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें वार करी लेने पंडरपुर जाना था ना। अब क्या पता इतने सालों बाद इतनी बड़ी खुशी विठल जी की कृपा से आई हो। विठल आपका घर खुशियों से भर दे। अरे अनुसया, ये तू क्या कर रही है? मैं ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि लक्ष्मीबाई ने को मुलगा होगा या मुलगी। तो पेड़े क्यों खा रही है? तुझे पता नहीं है कि एक थाल में जलेबी भरनी चाहिए और दूसरे में पेड़े? तूने तो दोनों थाल में जलेबी भर दी। अगर जलेबी उठाई तो मुलगी होगी, अगर पेड़ा उठाया तो मुलगा, समझी? जानती हूँ रे, किसको बताना नहीं। आप आई साहब को तो अजीब बात नहीं। बात यह है कि लक्ष्मी वहनी और खंडोबा भाऊजी दोनों भी मुलगी चाहते, और इसलिए मैंने दोनों थालों में जलेबी भर दी और पेड़े अपने पेट में। तू भी ना पगली है, ऐसा कभी होता है क्या? चल अब चल चल, चल।
अब देखते हैं हमारी लक्ष्मी वहिनी पाटिल परिवार को मुलगा देगी या मुलगी। चलो वहिनी, अब एक थाल से कपड़ा हटाओ। अगर पेड़ा निकला तो मुलगा, और अगर जलेबी निकली तो मुलगी। सुन भाई, सोच समझ कर कपड़ा उठाना। बस एक बार ही मौका मिलता है, पेड़ा ही निकलना चाहिए, समझी? चलो चलो। वहिनी, मुलगी की खुशी में मेरा नहीं भूल नहीं जाना। अनसया, अगर पेड़ा निकला तो सर से पांव तक तुझे धागिनों से भर दूंगी। हाँ, चल सुन भाई। जलेबी यानी मुलगी। और हमने ये फैसला किया है कि इन पिछड़ों के नाक में नकेल कसने का वक्त आ गया है। हम इनकी ऐसी नकेल कसेंगे कि हाथ पांव हिलाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। गवारों को भगवान ने शरीर तो दे दिया, लेकिन बुद्धि तनिक भी नहीं थी। इतना शोर कि कान के पर्दे फट जाए। जाओ और जाकर के पता करो कि कौन पिछड़ा है, कौन गवार है जो अपनी खुशियों का गाना बजा रहा है। किसकी इतनी हिम्मत जो हम स्वर्ण की शांति को भंग करने का दुस्साहस कर रहा है। जाओ। क्षमा करें महाराज, गांव के पाटिल खंडो जी के पत्नी की गोद भर आई है, ये मंगल ध्वनि वहीं से आ रही है। अरे जूती अगर सर पर गिर जाए तो मुकुट नहीं बन जाती। अरे वो खंडो जी भी तो पिछड़ जाती गई है ना। शिवाजी महाराज के समय जागीर मिल गई तो पाटिल बन गए,
वरना सारी जिंदगी गाय भैंस के गोबर का खाद बनाकर पेड़ों में डालते फिरते। और वो चाहे कुछ भी हो जाए, रहेंगे हम अगड़े के पंख की जूती। आपने बिल्कुल सही कहा भाऊ, लेकिन इन पिछड़ों को थोड़ी छूट पंत जी नहीं दे रखी है। अरे लेकिन वो कैसे भूल गए कि इस गांव इस समाज के मालिक हमारे बहनों सदाशिव पंत जी हैं और छोटे मालिक हम। बिल्कुल। और हमने ये फैसला किया है कि इन पिछड़ों के नाक में नकेल कसने का वक्त आ गया है। हम इनकी ऐसी नकेल कसेंगे कि हाथ को हिलाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे भाव? छबूराव मंत्र से, छबूराव मंत्र से इन्हें इस गांव से ऐसे उड़ा देंगे जैसे गधे के सर से सीन, गरम तवे से पानी। ओ भाव, हमने तो आज तक ये मंत्र कभी सुना ही नहीं। अरे ये मंत्र सुनने का नहीं, देखने का है। चलो आज तुम्हें मैं छबूराव मंत्र की शक्ति का दर्शन कराता हूं। आओ। रहीम काका ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। जय हो महाराज, जय हो, जय हो, जय हो। एक दोहे में आपने सारी कहानी कही दी। तुम समझे? समझ गए महाराज, इस बार आपने इन पिछड़ों को पानी की मार लगाई है।